गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने आपकी क्लास में लेसन 6 रक्त और हमारा शरीर, यानी हमने हमारा शरीर और रक्त के बारे में पढ़ा था। आज इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो आज हम करेंगे। तो देखिए, इसका पार्ट में से जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, वो है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जब शरीर में से रक्त निकल रहा हो तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उत्तर है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव वाले स्थान पर, जहाँ चोट लगी है उस स्थान पर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, जिससे कि दबाव पड़ने पर रक्त क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर भी अगर रक्त का बहाव ना रुके तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए जहाँ पर चोट लगी है उस स्थान पर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, और अगर फिर भी रक्त नहीं रुक रहा है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बताया था कि भानुमति का पिटारा एक हिंदी की कहावत है, यानी कि एक पिटारे में बहुत सारी चीज है। उसी प्रकार जो हमारा जो खून होता है उसमें बहुत सारे छोटे बड़े कण पाए जाते हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो उसमें बहुत सारे छोटे बड़े कण आपको दिखाई देंगे, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर, भानुमति का पिटारा हिंदी की एक कहावत है जिसका अर्थ है एक पिटारे में बहुत सारी वस्तुएं। उसी प्रकार हमारा जो रक्त होता है वह दिखने में लाल दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो रक्त में अनेक छोटे बड़े बहुत से कण आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो देखिए इसको, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना चाहिए, जैसे खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा और मांस। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, मांस है, फल है, आदि चीजें खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो देखिए सोचता है कि दूषित पानी और दूषित भोजन, यानी कि जो खराब पानी है, गंदा पानी है और खराब खाना है, उसको करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। उस भोजन को करने से, दूषित पानी और दूषित भोजन करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कीड़े होने का एक विशेष कारण और है कि कुछ विशेष किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो त्वचा से होकर के हमारे शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और आंखों में पनपने लगता है। बाकी देखिए कि दूषित पानी और दूषित भोजन करने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो त्वचा से होकर के
हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में पनपने लगते हैं। इनसे बचने के क्या उपाय हैं? नंबर एक, हाथ पैर साफ करके ही भोजन करना चाहिए, यानी साबुन से हाथ और पैरों को साफ करना चाहिए फिर ही भोजन करने बैठना चाहिए, और साफ सफाई से बनाए भोजन का को ही खाना चाहिए। साफ सफाई से बनाए हुए भोजन को ही खाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? जो रक्त के कण होते हैं सफेद, उनको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर एक, रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को जो सफेद रक्त कण होते हैं वो शरीर में नहीं आने देते। जो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते हैं उन रोगाणुओं को सफेद जो रक्त कण होते हैं वो शरीर में अंदर नहीं आने देते। नंबर दो है कि शरीर के अंदर आए रोगाणुओं से अगर शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश भी कर जाते हैं तो जो सफेद रक्त कण होते हैं उनसे डट करके क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। नंबर 3, सफेद रक्त कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफेद रक्त कण होते हैं वो बहुत से रोगों से क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। बेटा ये 5 तक मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए। जो क्वेश्चन आंसर आपके बचे हुए हैं उनको मैं आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगी बेटा, PDF बना करके, तो आप उनको कर लेना। धन्यवाद।